वेलकम टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहाँ पे मैं हर जगह ओरिजिन स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ घोस्ट मेकर, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर शाइफन निशाने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी जल्दी इस पर वीडियो लेने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो घोस्ट मेकर एक रिसेंटली अपीयर हुआ कैरेक्टर है, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी बैटमैन इश्यू 100 में दिसंबर 2021 को। तो घोस्ट मेकर एक बहुत ही अमीर मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था, जिनकी खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। एंड घोस्ट मेकर का असली नाम है मिनखोवा खान, बट मिनखोवा की मॉम बहुत ही ज्यादा वरीड रहती थी उसके बिहेवियर को लेकर, क्योंकि वो ना तो हंसता था ना किसी से बात करता था, एंड अक्सर स्कूल में लड़ता रहता था, एंड उसे अपने किए गए किसी भी लड़ाई पर कोई पछतावा भी नहीं था। एंड यही चीज को लेकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एंड एक दिन कुछ गैंगस्टर्स उनके घर में आकर उन्हें बहुत ज्यादा पीटते हैं, एंड उनसे जबरदस्ती उनकी कंपनी अपने नाम करवा लेते हैं। एंड ये सब देख के खोवा खान बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। एंड इस इंसिडेंट के बाद वो दुनिया के अलग अलग मास्टर के पास जाकर मार्शल आर्ट्स एंड कराटे कुंग फू की ट्रेनिंग लेता है, ताकि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन सके कि वो अकेला ही सारे क्राइम को खत्म कर दे। एंड अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही वो एक नौजवान से मिलता है जिसका नाम था ब्रूस वेन। एंड उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है, एंड वो अपनी क्लास के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टॉप स्किल्ड स्टूडेंट्स थे, एंड इसी कारण दोनों एक दूसरे से फाइट भी करते रहते थे ये साबित करने के लिए कि कौन बेटर है। एंड उन दोनों ने ही सबसे ज्यादा हार्ड एंड सबसे ज्यादा क्रेजी ट्रेनिंग्स को मास्टर किया था, एंड दोनों ही अपनी क्लास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट थे। एंड ऑलमोस्ट अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ब्रूस वेन डेजर्ट में अकेला बैठा था, एंड तभी वहां पर आता है खोवा खान। एंड अभी वो घोस्ट मेकर का पर्सोना अपना चुका है एंड अपनी कॉस्ट्यूम एंड वेपन्स भी डिजाइन कर चुका है। एंड ब्रूस उससे कहता है कि अभी उसका लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो वो अपनी तलवारों को रेत में गाड़ते हुए वहां पर बैठ जाता है। एंड फाइनली ब्रूस घोस्ट मेकर को बताता है उसका अपनी ट्रेनिंग के पीछे क्या राज है। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स को एक थग ने मार डाला था, एंड आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। जिस पे घोस्ट मेकर कहता है कि मुझे अफसोस है तुम्हारे साथ जो भी हुआ, लेकिन केयरिंग करना तुम्हें कमजोर बनाता है। जिस पे ब्रूस तलवार उठाता हुआ कहता है कि नहीं, ये नहीं बनाता। एंड इसके बाद फाइनली उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है, एंड ब्रूस अपने प्राइवेट जेट की ओर बढ़ता है वापस गौतम लौटने के लिए, बट तभी रास्ते में उसे घोस्ट मेकर रोक लेता है। एंड ब्रूस को एक ऑफर करता है कि वो उसके साथ मिलकर काम करे, एंड दोनों हाईटेक गैजेट्स बनाकर विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, सिटी टू सिटी, एंड इवन कंट्री टू कंट्री जाकर भी सभी क्राइम्स को खत्म करेंगे। एंड अगर हम दोनों मिल जाए तो हम पूरे क्राइम का सफाया कर सकते हैं। जिस पर ब्रूस कहता है कि मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं, तुम एक साइकोपैथ हो। लेकिन फिर भी घोस्ट मेकर ब्रूस का हाथ पकड़ते हुए उसे बताता है कि हम एक हाईटेक बेस बनाएंगे जिसमें बहुत सारे खतरनाक गैजेट्स होंगे, एंड हम क्राइम का सफाया कर सकते हैं। बट ब्रूस फिर भी नो कर देता है, जिस कारण गुस्से में आकर घोस्ट मेकर ब्रूस को एक पंच मारता है। एंड गुस्से में घोस्ट मेकर कहता है कि जाओ फिर अपने उस गटर में जिसे तुम अपना घर कहते हो, गौतम में, और हाँ एक बात सुन लो, जिस शहर में मैं होऊंगा तुम कभी भी वहां पर कदम नहीं रखोगे, और मैं भी तुम्हारे गौतम में कभी भी कदम नहीं रखूंगा। तो ये डील रही। जिस पे ब्रूस कहता है कि गुड, अभी मेरे रास्ते से हटो, एंड दोबारा मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। एंड फिर 20 साल बाद घोस्ट मेकर फाइनली अपना प्रॉमिस तोड़ता है, एंड वो एक क्लाउन हंटर नाम के टीनेज बच्चे को मारने के लिए गौतम में आता है। एंड वो ब्रूस से फाइट करते हुए उसका नाम लेता है, जिसे सुनकर बारबरा फ्रीक आउट हो जाती है और बैटमैन से पूछते है कि वो उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी कैसे जानता है। जिस पे बैटमैन रिप्लाई करता है कि ये अभी तक अपसेट है, क्योंकि जब ये 15 साल का था तो मैंने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। एंड बैटमैन घोस्ट मेकर का सर दीवार पे मारते हुए बोलता है, जब तक मैं 20 साल का हुआ था मैं ऐसे पता नहीं कितनी बार हरा चुका था। एंड फिर घोस्ट मेकर बताता है कि अभी मुझे गौतम में आए सिर्फ 12 घंटे हुए हैं, और तुम्हें पता है मैंने 12 घंटों में क्या किया, मैंने गौतम के 14 सबसे बड़े करप्ट जजेस की गिरफ्तारी करवा दी है विद प्रूफ्स, और हाँ मैंने एक साइकोपैथ किलर को भी पकड़कर एफबीआई की वैन में डाल दिया है, जो कि अभी उसे आर्कम ले जा भी चुके होंगे, और हाँ मैंने 6 बहुत बड़े बड़े कार्गोस को इन्फॉर्मेशन एफबीआई को दी है जिसमें अनगिनत हथियार पड़े थे, और तुम यहाँ पर बिजी हो एक इस पागल से क्लाउन हंटर को बचाने में। तुम बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हो बैटमैन, लेकिन मैं नहीं हूँ। और ऐसा कहते ही वो उस क्लाउन हंटर को मारने की ओर बढ़ता है, बट बैटमैन उसका केप पकड़कर उसे रोक लेता है, जिसपे घोस्ट मेकर कहता है कि तुम फेल हो चुके हो ब्रूस, पर मैं नहीं। एंड बैटमैन कहता है कि तुम एक साइकोपैथ हो, जिसपे पीस मेकर कहता है कि हाँ इसलिए मैं तुमसे बेटर हूँ। एंड इधर हम देखते हैं हार्ले क्वीन को, जो कि पॉइजन आईवी के प्लांट से बात कर रही थी, तभी वो क्लाउन हंटर वहां आकर हार्ले पे अटैक करता है, बट हार्ले बहुत इजीली उसके सभी अटैक्स को डॉच करती हुई उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम एक टीनेज बच्ची हो और इस बैट के साथ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो क्लाउन हंटर कहता है कि एक जगह खड़ी रहो और मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तो इसके बाद हार्ले क्वीन उसके दोनों अखरोट तोड़ देती है एंड वो नीचे गिर जाता है, तभी वहां पर बैटमैन क्रैश होता है एंड वो देखता है कि हार्ले ने क्लाउन हंटर को पकड़ लिया है। तभी वहां पर घोस्ट मेकर भी आ जाता है, जिसे देखकर हार्ले बोलते हैं कि
क्या तुम एक असैसिन हो, जिस पे गॉसमेकर बोलता है कि नहीं मैं एक क्राइम फाइटर हूँ। एंड बैटमैन इसका मजाक उड़ाता हुआ बोलता है कि नहीं ये एक सीरियल किलर है जिसका नाम है डेंटन क्विल। एंड बैटमैन उठते गॉसमेकर को बताता है कि जिन 14 जजेस को तूने पुलिस को पकड़ा है उन पर मेरी बहुत टाइम से नजर थी एंड मैं वेट कर रहा था कि और कितने ज्यादा जजेस उनके साथ जुड़े हुए हैं जो कि करप्टेड है एंड मैं उन सबको पकड़ना चाहता था। एंड जहां तक बात है उन कार्गो में पड़े हुए हथियारों की, तो मैंने 6 दिन पहले उन सभी हथियारों को बदल कर उनकी जगह नकली हथियार रख दिए थे और मैं वेट कर रहा था कि कौन उन्हें खरीदने आएगा ताकि मैं उन सबको रंगे हाथ पकड़ सकूं, पर तुमने मेरे सभी प्लान खराब कर दिए। एंड फिर गॉस्टमेकर हार्ले क्वीन, बैटमैन एंड क्लाउन हंटर तीनों को बेहोशी वाले डार्ट से बेहोश कर देता है एंड उन्हें एक कमरे में लाकर बांध देता है एंड बैटमैन के जख्मों को सी कर उसे ठीक कर देता है एंड उसका इलाज कर देता है। एंड जब बैटमैन की आंख खुलती है तो वो गॉस्टमेकर से पूछता है कि क्या हम आर्कम में है, जिस पे गॉस्टमेकर कहता है कि हाँ। एंड इसके बाद क्लाउन हंटर की भी आंखें खुल जाती है एंड वो उठकर देखता है कि वो अकेला ही ऐसा था जो कि बंधा हुआ नहीं था एंड हार्ले क्वीन एंड बैटमैन दोनों बंधे हुए थे, तो वो अपने पास एक तलवार पड़ी हुई देखता है जिसे उठाकर वो हार्ले क्वीन के गले पर रख देता है ये कहते हुए कि अभी तुम्हें मरना होगा और मेरा बदला पूरा होगा। एंड ये सब कुछ गॉस्टमेकर ऊपर खड़ा देख रहा था और वो यही साबित करना चाहता था ऐसे लोगों की केयर करना बिल्कुल यूजलेस है। एंड तभी वो बच्चा कहता है कि तुम किसी की परवाह नहीं करते, जिस पे बैटमैन कहता है कि नहीं वो करता है। एंड इसके साथ वो हार्ले क्वीन को मारने के लिए तलवार ऊपर उठाता है लेकिन बैटमैन अपने आप को स्ट्रिप से छुड़ाकर एक बैटरिंग हार्ले क्वीन की ओर फेंकता है जिससे हार्ले क्वीन फ्री हो जाती है एंड बैटमैन फटाफट से उठकर क्लाउन हंटर को नॉकआउट कर देता है। फिर हार्ले क्वीन क्लाउन हंटर से माफी मांगती है और उसे बताती है कि उसने जो कुछ भी किया वो जोकर के प्यार में पागल थी इसलिए किया, लेकिन जब उसे अच्छे बुरे का फर्क पता चला तो वो पीछे हट गई और हाँ जिस दिन जोकर ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था मैं भी वहीं पर थी और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं उसे लेकर और अपने पास को लेकर पछताई नहीं हूँ और हाँ अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मार डालो। एंड फिर क्लाउन हंटर चाकू को उठाकर जोर से पास ही पड़े टेबल में मार देता है एंड हार्ले क्वीन को माफ कर देता है। एंड ये देख के गॉस्टमेकर वहां पर आकर बैटमैन से फाइट करने लगता है एंड बैटमैन कहता है कि तुम गलत थे और मैं सही देख लो, जिसके बाद गॉस्टमेकर लड़ाई करनी बंद कर देता है और वो बैटमैन से कहता है कि फाइन ठीक है मैं अभी सुबह ही गॉथम से निकल जाऊंगा एंड अपने एग्रीमेंट को जारी रखूंगा, जिस पे बैटमैन कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ गॉथम में रहकर गॉथम को बेटर बनाने में मेरी हेल्प करो, जिस पे गॉस्टमेकर पूछता है कि क्यों एंड बैटमैन बताता है कि मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूं एंड ये सिटी जवान हो रही है और मुझे अभी किसी की हेल्प की जरूरत है क्योंकि अभी अल्फ्रेड की भी डेथ हो चुकी है तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिएगा जिसपे मैं भरोसा कर पाऊं। एंड गॉस्टमेकर कहता है कि उसे हमेशा से बैटमैन की गाड़ियां पसंद थी और हाँ मैं अपनी छाती पे बैट का साइन नहीं चिपकाऊंगा, जिस पे बैटमैन कहता है कि मैं तुम्हें कह भी नहीं रहा लेकिन मेरे साथ काम करने का सिर्फ एक ही रूल है किसी को भी मारना नहीं है। हाँ ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन तुम्हें हमेशा मुश्किल काम ही पसंद थे तो तुम डेफिनेटली ये कर लोगे। एंड इसके बाद बैटमैन गॉस्टमेकर के साथ बाहर निकलता है जहाँ पर बैट फैमिली उसका वेट कर रही थी एंड इस तरह बैटमैन न्यू फैमिली मेंबर बना लेता है जो कि था गॉस्टमेकर द न्यूएस्ट बैट फैमिली मेंबर। सो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ गॉस्टमेकर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना करनी हो क्योंकि मैं ऐसी वीडियो जरूर लाता रहता हूँ। अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में एंड मैं जल्दी जल्दी इस पर वीडियो लेने की कोशिश करूंगा। तो अभी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।